यहाँ स्थानीय विधायक नहीं है तो स्थानीय विधायक को आला कमान ने भेजा था प्रत्याशी बनाकर। हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया, जिताकर चुनाव भेज दिया, विधानसभा गए। आना और नहीं आना उनका काम है। क्या बहुत कुछ कहना नहीं है, हम लोग काफ़ी शोकाकुल हैं, इसलिए कि वो व्यक्ति जो हम लोगों को एक तरह से रास्ता दिखाते रहा, वसूल का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, गरीबों की मदद का रास्ता, वो हमारे बीच में आज नहीं है, तो हम काफ़ी दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में हम लोग ये चाहते हैं, ऊपर वाले से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और ऐसे अरे गहरे क्या की पुण्यतिथि नहीं मना रहे हैं, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो हमारे लिए एक क्या कहिएगा मेरुदंड रहे हैं, वैसे व्यक्ति का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज वो नहीं है। और मैं तो आगे बढ़ जाऊँ तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिनके नाम लेकर बहुत से लोग हैं, हजारों की संख्या में बड़हरिया में हैं, जिनका नाम लेकर के वो लोग जीते रहे हैं, आज भी जीते हैं, और वो आदमी विधानसभा में गया, लोकसभा में गया, या चाहे जहाँ भी पहुँच गया, वो नाम लेकर के आज वही नहीं है, तो अधूरा तो कार्यक्रम नहीं है, ये तो ठीक है नहीं। ये संगठन की मतभेद के कारण ऐसे हो रहा है? कोई मतभेद नहीं है संगठन में, माफ कीजिएगा, कोई मतभेद नहीं है। अब देखिए सारे लोग जो है आजकल कटरी दौरी हैन तेन का ये है, विधायक जी तो कटरी दौरी नहीं करते है। अरे विधायक जी के बारे में तो कह दिया, खाली विधायक जी से संगठन नहीं, नहीं, नहीं चलता है। खाली आज पुण्यतिथि है, आज बड़हरिया राजद कार्यालय में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? आज डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि है, इस अवसर पर सभी पत्रकारों को, सभी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और साहबुद्दीन साहब जो थे वो बड़े गरीबों को बात सुनते थे, और जो भी गरीब उनके यहाँ जाता था वो वापस नहीं आता था, बड़े इंसाफ की बात करते थे। और इनका नहीं रहने से आज मैं सिवान जिला के बहुत ज़्यादा कमी जो हुई है, और जिसके वजह से थोड़ा सा प्रथम नज़र आ रही है, लेकिन हम लोगों ने यहीं इनके तस्वीर के समक्ष हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आज ही से 2024 की जो चुनाव होगा उसमें हम लोग हिना साहब चुनाव जिताकर पार्लियामेंट तक भेजने का काम करेंगे। और यहाँ हम लोग किसी तरह कमज़ोर नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि बड़हरिया का जो कार्यकर्ता वो बंधुआ मजदूर तो नहीं है कि हम लोग विधायक के पीछे रहेंगे, जो भी आला कमान से आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, साफ सुथरी बात। अब हम लोग की बात है कि 2024 चुनाव जो 24 के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से हिना साहब चुनाव जिताकर हम लोग पार्लियामेंट तक भेजने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले आज पहली बरसी हम लोग पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की मना रहे हैं, और ये हम लोगों को आज भी ये उम्मीद नहीं लगता है कि हमारे साहबुद्दीन साहब इस दुनिया से चले गए, लगता है कि किसी जेल में उनको बंद करके रखा गया है, उसी टाइप का हम लोगों को लगता है आज के भी डेट में अंदर। लेकिन ये कमी सिर्फ बड़हरिया ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आवाम के दिलों में बसने वाले, ख़ास तौर माइनॉरिटी के लोगों के दिलों में बसने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन को कोरोना के नाम पे दिल्ली के जो हॉस्पिटल है उसमें उनको मार दिया गया, कोरोना के नाम पे उनकी हत्या कर दी गई। साहबुद्दीन साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो एक मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान नहीं, सिवान में सभी जाति धर्म सभी मज़हब के लोगों को मान सम्मान सबको साथ में लेकर चलने का पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब ने काम किया। और साहबुद्दीन साहब ने जो विकास सिवान में किया वो अपने लिए नहीं, वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, पूरे आवाम के लिए, सभी जाति और धर्म और मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए काम करने का काम किया। आज देखिए जो भी यहाँ पे सांसद हैं या विधायक हैं आज क्या दशा है सिवान में, जो उनका बनाया हुआ बिल्डिंग है या जो बनाया हुआ उनका चीज़ है सब गिर रहा है, पेंट तक नहीं उसका हो रहा है। अली हैदर राजा उर्फ लक्की, युवा राष्ट्रीय जनता दल महासचिव। देखिए आज सबसे पहले आप लोग का चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का पहला वर्षी था, पहला साल था, उनका हम लोग मनाए हैं,
और अच्छा से मनाए हैं। पूरा राजद का कार्यालय में और आरजेडी के जितने हम लोग कार्यकर्ता थे बड़ौदिया का, सारा लोग इकट्ठा हुए और उनको बरसी हम लोग मनाए। शहाबुद्दीन साहब का जो कार्य बाकी था, जो पहले करके चले गए, वो तो अब वापस आने वाला नहीं है और ना वो कोई करने वाला है। बाकी उनका जो काम अधूरा पड़ा हुआ है सिवान के अंदर विकास, उस विकास को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति और हमारे गार्जियन जिला के जितना भी लोग हैं, मैडम हेना साहब हैं हमारे, उसामा भाई है, और बिहारी चौधरी जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे देव प्रसाद जी हैं, सारे गार्जियनों लोग को बात मानकर हम लोग चलेंगे और उनको बात को हम लोग पालन करेंगे और मजबूती से सिवान जिला और बड़हरिया विधानसभा में हम लोग अपना काम करने के काम करेंगे। और आरजेडी को पूरा मजबूती हम लोग बनाकर और सिवान जिला से मैडम को हम लोग लोकसभा में भेजने को काम करेंगे 2024 के चुनाव में। मेरा नाम रहीमुद्दीन खान, युवा जिला महासचिव सिवान जी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है और उनसे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। शहाबुद्दीन साहब वो एक रोशन चिराग थे हिंदुस्तान के अंदर, जिससे सारे समुदाय को रोशनी मिलती थी और एक ताकत महसूस किया जाता था। शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें सारे समुदाय के अंदर आज भी जिंदा हैं। और मैं समझता हूं कि हम सबकी जब तक ज़िंदगी रहेगी, शहाबुद्दीन साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफ्ताब के बेवक्त डूब जाने से। इसलिए शहाबुद्दीन साहब बहुत वक्त से पहले जो है हम लोगों को अलविदा कह गए, पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी हम लोग शहाबुद्दीन साहब की फैमिली, शहाबुद्दीन साहब की यादें, शहाबुद्दीन साहब की नीतियों के साथ हम और आप सभी लोग उनके साथ शामिल हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है।